मुझे तो अकेले ही जाना पड़ेगा मंदिर। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, तो आज सबसे पहले आप सभी को सावन का पहला सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज फर्स्ट सोमवार है, तो मैं भी सुबह फटाफट उठ गई थी, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है और ईवा भी सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि नहाने वाने का काम कर लूँ, क्योंकि आज पहला सोमवार है, तो सोची थोड़ा मंदिर भी चली जाऊँ। पहले टाइम कर ये सोच रही इतनी धूप होती कि कैसे जाऊँ, लेकिन ना आज बहुत अच्छा मौसम है तो मज़ा आएगा जाने में। ये देखने को दिख रहा है, तो फटाफट रेडी होके फिर जाएंगे मंदिर। यहाँ पे एक बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा मंदिर है, जिसमें ना सारे भगवान जी की मूर्ति है और बहुत अच्छी मंदिर पास में ही है, तो आज मंदिर जाना तो बनता है। आप लोग भी मंदिर गए होंगे और कौन कौन मंदिर गए हैं और मुझे बताइएगा। और सबसे पहले आप लोग सोमवारी करते हो क्या? तो मैं तो नहीं करती हूँ, मैंने कभी इसे भी नहीं किया। जब छोटे थे ना तो छोटों में एक क्रेज़ होता है ये सब चीज़ करने का, लेकिन उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया। काफ़ी छोटे में मैंने किया है और बहुत लोग करते हैं, बहुत ही लोगों को मैं देखती हूँ सोमवार सोमवार, मोस्टली ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चियाँ जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा करती हैं। तो आप लोग भी किए होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन लोग सावन का पहला सोमवार करते हैं। तो बस आज बने रहिए, आज मंदिर जाऊँगी और मुझे तो अकेले ही जाना पड़ेगा मंदिर, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, बाहर गए हुए हैं आउट ऑफ स्टेशन। तो ईवा उठ जाती है जैसे ही, तो उसको भी लेके जाऊंगी थोड़ा, क्योंकि उसको थोड़ा भगवान जी से थोड़ा ज़्यादा वो है, लगाव है, उसको मज़ा आता है, काना काना गनू बाबा करती रहती है। तो इसलिए मैंने ना सुबह उठ के झाड़ू पोछा दे दिया, क्योंकि क्या होता है ना जब ईवा जगी रहती है तब तो पोछा दे ही नहीं सकते, वो क्या आती भग भग के आती है और टाइल्स भी गिर जाती है, फिर उसको चोट लग जाता है। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि वो सो रही है, तो फिर ये वाली काम मैं कर लूँ। और हो गया है, बस देख सकती हूँ ये पूरा क्लीन हो गया है, और अभी जाती हूँ सब नहा वहा के फिर मंदिर का देखती हूँ कितने बजे, क्योंकि वजह भी उठेगी तभी जा सकती है। कहते हैं ना कि मतलब मैंने सुना है ये चीज़ कि जो बच्चियाँ सोमवारी करती हैं उनको अच्छे पति मिलते हैं, ऐसा सही है क्या? चलिए फिर आज बाल वाल वॉश करने हैं, मैंने कल ही तेल लगा रखा था। अच्छा आप लोग भी क्या बाल धोने से पहले ऑयल लगाते हो तो मुझे बताना, मैं तो लगाती हूँ, क्योंकि ना फिर अजीब से रुके रुके से बाल हो जाते हैं मेरे में ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आज हेड बाथ में करूँगी तो परसों जाके मेरे बाल ना थोड़े सिल्की हो जाएंगे, तो फीजी फीजी से होता है, जब से रफ रफ से होते हैं। बनी रहेगा, अगर मंदिर जाती हूँ तो पक्का आपको वीडियो दिखाऊंगी उस मंदिर का, अगर भीड़ कम रहा तो, भीड़ कम रही तो। थोड़ी मेरी हिंदी ऐसी वैसी है, यू नो बिहारियों की हिंदी थोड़ी ऐसी ही होती है, तो डोंट माइंड, मजे कीजिए। ओके मंदिर, तो मैं अभी बस नहावा के रेडी हो गई हूँ, मैंने ये ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ भी पहन ली है, लैठीज के कहते हैं, और मेरी गुगू भी उठ गई है, तो बस ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाती है, तो इसे मैं गंगा करके मतलब नहा वहा के तो फिर ले जाऊँगी। कहाँ कहाँ जाएंगे गुगू? जय जय करने मंदिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मंदिर। मंदिर जाएंगे हम, है ना, हम मंदिर जाएंगे। तो बस मैंने घर में पूजा सब कर दिया है, लेकिन हमारे इंद्र देवता ने हमारा साथ अभी नहीं दिया है, थोड़ा सा वो अगर अपने पे नियंत्रण रख ले तो मंदिर जा पाएंगे, अदरवाइज़ अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बारिश हो रही है और बच्चे को बारिश में लेके जाना थोड़ा रिस्की है। बताना कैसी लग रही है मेरी डॉल, हैंडू नीचे करो, हैंडू नीचे करो, हाय मेरी डॉल कैसी लग रही है, मेरी डॉल कैसी लग रही है, मेरी डॉल जम हैप्पी बेबी का गेटअप अच्छा है ना, तो बहुत सुंदर। मैं कोशिश करती हूँ कोई भी अच्छा दिन हो ना तो मैं उस दिन ईवा को थोड़ा न्यू कपड़े पहनाने का सोचते हैं, जब कोशिश करते हो जाता है, और लकली ना रहता है मेरे पास स्टॉक में, मैं हमेशा रखती हूँ कुछ ना कुछ नया, कभी ज़रूरत पड़ गई या कभी कुछ भी। तो आप कमेंट करना मेरी गुड़िया अच्छी लग रही है ना, नज़र नहीं लगाना। मंदिर होके आते हैं फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ रहेगी तो मैं वहाँ वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा और मंदिर में अच्छा भी नहीं लगता है, तो थोड़ी देर जा रहे तो एटलीस्ट
भगवान जी के साथ थोड़ी बातें शातें हो गई और बस मंदिर आके मिलते हैं और वो जो है ना रेडी है जाने के लिए, परेशानी कर रही है, चलो 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 फिर चलते हैं। ओके बाय। ये रहा मंदिर। गाइस तो फिर हम लोग, मेरा पूजा वूजा हो गया है तो मैं सोची थोड़ा इस वीडियो को एंड कर दूँ, एंड नहीं कर रहा था तो अभी जस्ट आए हैं, पूजा में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था और बच्चे भी थे साथ में तो उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ती है, तो मैं और भाभी गए थे वो आप देख ही रहे हो वीडियो में। तो ऐसे ही बने रहिए और मेरे वीडियो को भी ढेर सारा भी प्यार दीजिए जैसे सबको देते हैं। बस थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगा तो